गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड बी। आज हम आपको हिंदी का लेसन थर्ड गोपाल पाठ के सही गलत कराएंगे। इस पाठ के हमने अभी तक क्वेश्चन आंसर पढ़े और वर्ड मीनिंग लिखे। लेसन भी आपने पढ़ा है कि गोपाल किस तरह का बालक था, बहुत मेहनती था और मन लगा करके पढ़ता। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका हिंदी, ठीक। आज हम इस पाठ के पढ़ेंगे प्रश्न, सेकंड है ये आपका, और पाठ है तीन। पाठ का नाम है गोपाल, ठीक। तो देखिए, आपने देखा कि गोपाल एक गरीब बालक था जिसके पास पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक और कॉपी इत्यादि कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं था। साधन विहीन होते हुए भी वह बालक मन लगा करके पढ़ता था, जो भी चीज़ उसे मिल जाती थी। इसलिए जब क्लास के बच्चे अपने कॉपी का पेज फाड़ करके फेंक दिया करते थे, तो उन पेजों को उठाकर गोपाल उसी में अपना कार्य कर लेता था और सवाल भी हल किया करता था। अन्य बच्चों की कॉपी में वर्क करता था, जिससे उसे कार्य करने का अभ्यास होता जाता था। गुरुजी उससे बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि वह सदा स्कूल में देर से आता, उसके पास कॉपी किताबें नहीं थी। जब दीपावली की छुट्टी हुई और सारे बच्चे छुट्टी पर चले गए, तो गुरुजी भी अपने गांव जाने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि स्टेशन के बाहर गोपाल बूट पॉलिश कर रहा है। उसने दूर से ही मास्टर जी को देख लिया तो सिर झुका लिया ताकि उसे देख न पाए, पर मास्टर जी की नज़र उस पर पड़ गई थी। वो गोपाल के पास गए और उससे कारण पूछा, तो उसने बताया मेरे पिता नहीं है, इसीलिए मैं ये कार्य करता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करने में कैसी चोरी। और बाद में जब इसको खुला, गुरुजी ने उसे नई पुस्तकें, कॉपी, बैग आदि दिया। क्लास में वो प्रथम आया और पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो गोपाल की तरह ही हमें भी अपनी पढ़ाई मन लगा करके करना चाहिए। भले हमारे पास पुस्तक नहीं है तो हम ऑनलाइन ही पढ़ लें इस समय, ठीक है बेटा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर सेकेंड में आपको लिखाऊंगी क्या है। सत्य कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर वन। हम यहाँ लिखेंगे क्या है नंबर वन। गोपाल पढ़ने में बहुत होशियार था, इसको हम लिखेंगे गोपाल पढ़ने में बहुत होशियार था। क्या ये सही है? अभी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सेकेंड नंबर, गोपाल फटे हुए कागज बस्ते में रख लेता था, बस्ते में रख लेता था। अभी मैंने आपको बताया था किसका क्या आंसर है। चलिए थर्ड नंबर हम लिखेंगे।
बस्ता पुरस्कार ने दिया। यहाँ हमने पांच सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा। फर्स्ट देखिए, सत्य कथन पर सही गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। गोपाल पढ़ने में बहुत होशियार था, बिल्कुल सही। इसमें हम राइट लगाएंगे। सेकेंड, गोपाल फटे हुए कागज बस्ते में रख लेता था ताकि वो उन पेपर्स पर अपना वर्क कर पाए क्योंकि उसके पास कॉपियां नहीं थी। ये भी सही है। होली की छुट्टियां थी, जी नहीं, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आया था इसलिए छुट्टियां दीपावली की थी। ये आपका रॉन्ग है। सभी लड़के पुराने वस्त्र पहनकर आए थे, जी नहीं, दीपावली की छुट्टियां हो गई थी। दीपावली में सभी बच्चों ने नए नए कपड़े, खिलौने, पटाखे आदि खरीदे थे तो सब लोग नए कपड़े पहनकर आए थे, इसलिए ये गलत है। गुरुजी ने गोपाल को नया बस्ता पुरस्कार में दिया, बिल्कुल सही, क्योंकि गोपाल के पास नया बैग, पुराना बैग था जो फटा हुआ था और उसके पास कॉपी किताबें भी नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने नया बस्ता दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। और उसने वैसा ही किया, उसके पास जो सीमित साधन थे उसने उससे अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई थी और वो कक्षा में प्रथम आया। अगले साल के लिए ही उसे नया बैग भी मिला था और कॉपी किताबें भी दी गई थी। तो गोपाल की तरह आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई अपनी तभी आप कर पाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे, तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगी।